सब्सक्राइब करें सोहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवेज में काफ़ी तरह के डिफरेंट डिफरेंट रेल कोच हैं और उनकी पहचान भी कुछ खास ही है। हर एक रेल कोच की पहचान अलग तरीके से की जाती है, उनके कलर से या उनके ऊपर कुछ साइन से। लेकिन फिर भी किसी यात्री को कुछ ट्रेन के कलर या साइन समझ में नहीं आते और वो यात्री स्टेशन में अपनी गाड़ी पकड़ नहीं पाते। खैर, उसे छोड़िए, मैं आज आपके लिए ऐसे दमदार और बहुत ही खास वीडियो आप व्यूवर्स के लिए लाया हूँ, जो आपको ट्रेन के डब्बों में फ़र्क क्या है बताएंगे। जैसे पकड़ लो हम सफर एक्सप्रेस, ईमू, मेमू, डेमू, शताब्दी, दुरंतो, राजधानी, ऐसे कई ट्रेन्स हैं जिनके कोचेस के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए, बिना कोई टाइम गए वीडियो के अंदर चलते हैं। तो गाइस, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी ही और बेल आइकन भी ऑन कर दो अभी ही। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और क्लेरिफाई करते हैं हर एक को वन बाय वन। तो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज बना रहा हूँ और पार्ट वन में आपको ICF कोच और सब अर्बन ट्रेन्स के कोच के बारे में बता रहा हूँ और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें LHB और लग्जरी ट्रेन के बारे में बताऊँगा, उनके कोचों के बारे में बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं ICF कोच से। जी हाँ, जो आप ये इमेज में देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट कलर कोड है ICF कोच का, जिसे ब्लू कलर कहा जाता है, जिसे हमेशा यूज़ करता है इंडियन रेलवेज। इसको यूज़ करता है स्लीपर क्लास, AC फर्स्ट क्लास, AC थ्री टायर स्लीपर, AC टू टायर स्लीपर, AC चेयर कार, नॉन AC चेयर कार एंड सेकंड क्लास कोचेस में, जिसे ICF ने डिज़ाइन किया है। ये तो आपको पता ही होगा। और भारत में ज़्यादातर यही कोच एक्सप्रेस, मेल और सुपर फास्ट ट्रेन में यूज होते हैं। फिर भी इनके कोचेस में कुछ डिफरेंटेशन होता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जहाँ ये येल्लो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है ना एंड ऑफ द कोच, तो ये सिग्निफाइज करती है CBC कपलर्स को, जो सेम यूज़ होती है मॉडर्न LHB कोचेस में। अब इस इमेज को देखिए, आपको जो येल्लो झिकझैक लाइंस दिख रही है ना विंडो के ऊपर, तो इसे नॉन AC सेकंड क्लास अनरिजर्व क्लास यानी कोच कहा जाता है। और अब आप इस इमेज को देखिए, जहाँ एक ब्लू अनरिजर्व कोच दिख रहा है, जिसे दीनदयालु कोचेस का कहा जाता है और इसकी पहचान इसके रेड स्ट्रिप से पता चलती है जो इसके बॉटम में होती है। और इसमें कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी मिलती है, जो है LED लैंप्स, मॉडुलर टॉयलेट्स, RO वाटर और चार्जिंग पॉइंट जैसे अनेक फैसिलिटीज़। अभी इस इमेज में देखिए, ICF राजधानी का एक कोच है। दोस्तों, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ICF कोच राजधानी एक्सप्रेस का है, जिसे ICF राजधानी लिवरेडिज कोच भी कहा जाता है, जो फर्स्ट यूज हुई थी 1956 में डिलक्स एक्सप्रेस के साथ और बाद में पूर्वा एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस, जैसेश्वरी एक्सप्रेस और भी कई ट्रेनों में यूज़ किया गया। तो अब बढ़ते हैं ICF शताब्दी। जी हाँ, इस इमेज में देखिए आपको, यह है ICF शताब्दी, जो झांसी शताब्दी और भोपाल शताब्दी में यूज़ किया गया था LHB कोचेस के सर्विस में आने से पहले। और अब यह मात्र प्रेजेंटली लुधियाना शताब्दी एंड मोगा शताब्दी में यूज़ किए जाते हैं। इसका कलर भी कुछ हटके ही है, ऊपर जो येल्लो दिख रहा है और नीचे ग्रीन दिख रहा है। तो खैर, उसे छोड़िए, अब हम बढ़ते हैं ICF गरीब रथ लिवरेडी कोच के बारे में। तो दोस्तों, इस इमेज में देखिए, यह है ICF गरीब रथ लिवरेड, जिसे इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने। और यह ट्रेन प्रोवाइड करती है एयर कंडीशन सर्विस इन लोअर प्राइस। इसका कलर भी काफ़ी, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, बीच में एकदम येल्लो पट्टी जो विंडो पर रहती है और नीचे और ऊपर ग्रीन, काफ़ी अच्छा लगता है कोच। खैर, उसे छोड़िए, अब दूसरा बढ़ते हैं ICF जनशताब्दी के ऊपर। जैसा कि फ्रेंड्स आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ICF जनशताब्दी को, जो एक अल्टरनेट है शताब्दी एक्सप्रेस का, एंड ये इंट्रोड्यूस करती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सुपर फास्ट सर्विस इन चीपर प्राइस, यानी कम से कम प्राइस में अगेंस्ट द शताब्दी एक्सप्रेस के। तो इसका भी कलर काफ़ी अच्छा रहता है, ब्लू और वाइट, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम ICF दुरंतो के बारे में। यह है ICF दुरंतो एक्सप्रेस का कोच, जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसी ग्राफिक्स यानी डिज़ाइंस हैं येल्लो, ऑरेंज, ग्रीन में। तो यह दुरंतो एक्सप्रेस अगेंस्ट राजधानी एक्सप्रेस के बनाया गया था टू प्रोवाइड एंड टू एंड नॉन स्टॉप सर्विस। दुरंतो एक्सप्रेस प्रोवाइड करती है मेट्रो टू मेट्रो या इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन टू अनदर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन कनेक्शन। अच्छी बात है।
अब भाई ये आप इमेज में देख रहे होंगे ICF युवा का कोच है जो इंट्रोड्यूस करती है युवा यानी यूथ्स ऑफ इंडिया के लिए। ये एक और प्रीमियम क्लास ट्रेन है जो ऑपरेट्स करती है सेम प्रिंसिपल ऑफ राजधानी एक्सप्रेस यानी राजधानी एक्सप्रेस के ही तरह ये चलती है। और ये ओनली दो ही ट्रेन्स हैं इंडिया में, नहीं तो आप कमेंट में पूछेंगे युवा एक्सप्रेस कहाँ है, मैं आपको बता दूँ दो ही ट्रेन्स हैं इंडिया में। फर्स्ट ऑपरेट होती है आनंद विहार टू हावड़ा और सेकंड हजरत निजामुद्दीन टू बांड्रा। ठीक है, क्लियर हो गया, कमेंट में पूछ सकते हैं लेकिन जो भी जवाब है वही है। अब बढ़ते हैं ICF मॉडर्न कोचेस के, काफ़ी अच्छा दिख रहा है एक इमेज में देख रहे हैं आप, जैसा कि तो यह ICF मॉडर्न कोच या ICF महामना रेक और ये मॉड्यूलर ICF कोचेस है ऑफ इंडियन रेलवेज। ऐसी थ्री ट्रायल क्लास अवेलेबल नहीं है इस टाइप के कोच में और ये फर्स्ट यूज हुए थे महामाना एक्सप्रेस में एंड नाउ ये अब कुछ ही ट्रेन में सर्विस पे हैं। अच्छे तो लग रहे हैं, थोड़ी डिज़ाइन उसकी ऊपर वाइट नीचे ब्लू का यानी ठीक है, अच्छा कलर है। अब है ICF डबल डेकर, इमेज में जैसे कि आप देख रहे हैं यह है नॉन एसी डबल डेकर कोचेस जो प्रेजेंटली यूज है फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस ओनली और उन्हीं में यूज़ होता है और यूज़ अभी है, उनकी कलर स्कीम के कारण यूज़ हो रहा है। अच्छा लग रहा है ICF जो जनरल यूज़ करती है उसके टाइप दिख रहा है ब्लू ऊपर फिर थोड़ा ठीक है, अच्छा कोच है। अब है कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको इमेज, अब इस इमेज को देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा लिवरी ICF रैक्स जिसे सेंट्रल रेलवेज, आप कहीं जाते होंगे वेस्टर्न साइड जैसे मुंबई साइड तो आपको ये दिखता होगा कोच कोई भी ट्रेन में लगा, तो इसका है लिवरी कोच जिसे समटाइम्स यानी सेंट्रल रेलवे यूज़ करता है इस तरह के लिवरी साथ में ICF रैक के साथ। इसे वेस्टर्न रेलवेज एंड साउथर्न रेलवेज यूज़ करता है इस तरह के लिवरी कोच। लिवरी शताब्दी एक्सप्रेस के साथ कुछ लोग बोलते हैं ओल्ड कलर स्कीम है जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को दर्शाती है। कलर तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, नीचे ब्लू ऊपर लाइट वाइट और रेड स्ट्रिप्स, ठीक है। अब ये रिफर्बिश्ड ICF कोच है यानी रिफर्बिश्ड ICF कोच, कलर अच्छा है क्रीम कलर रेड की पट्टी। अब इस इमेज में आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये रिफर्बिशेड रैक्स हैं जो ICF इसे यूज़ करता है, कालका मेल में ही देखने को मिलेंगे ये जो कोच है ना, आपको पूरे इंडिया में कालका मेल में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इस इमेज को देखिए, इसे न्यू कलर स्कीम कहा जाता है ICF कोचेस का जो इंडियन रेलवेज अभी लाएंगी या आगे लाएंगी इसे, ठीक है। अब ये है आखिरी जो मेन पॉइंट, तो गाइज ये है ट्रेन 18 फुल्ली एयर कंडीशन इंजन लेस ट्रेन जिसे मैन्युफैक्चर किया है ICF ने, और सीधा बोलो तो ये एक प्रोसीजर है बुलेट ट्रेन की और इसे प्रॉपर्ली रिप्लेस करेंगे भोपाल शताब्दी या गतिमान एक्सप्रेस के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं सबर्बन सर्विस में जो इमू मेमू डीमू और डेमूस को चलाता है। तो इस इमेज में आपको दिखने का मिल रहा होगा ग्रीन और येल्लो का कॉम्बिनेशन जो है EMU, ठीक है, जो चलती थी अभी भी चलती है लेकिन ज़्यादा नहीं चलती है। अब इस उसकी जगह ईमू की जगह थ्री पेज EMU ने ले लिया है जिसका कलर काफ़ी अच्छा एकदम अट्रैक्टिव लगता है वाइट पिंक और येल्लो। अब यह है थ्री पेज AC EMU, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ब्लू थोड़ा सिल्वर येल्लो रेड इसका कॉम्बिनेशन है तो AC EMU, इसके बाद है ये MU MU, ठीक है। ये छोटे छोटे शहरों में चलती है, ज़्यादा डिस्टेंस रहता नहीं इसका, 100 किलोमीटर के अंदर चलती है, ठीक है। अब यह है DMU, डीजल से चलती है, इसकी जगह अभी DEMU ने ले लिया है तो ये अभी ज़्यादा चलती नहीं तो इसकी जगह डेमू चलती है। अब दोस्तों कुछ यह है लग्जरी मेमोज जो बेस्ड है ट्रेन 18 के आइडिया पर, इसे देखिए इमेज में आपको पता चल रहा होगा कि कुछ हद तक ट्रेन 18 की तरह दिख रही है। इसके सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है जिसे ICF ने ही डिज़ाइन किया है। अब यह है CNG डेमू जो फ्यूल की बचत और पॉल्यूशन से छुटकारा देती है जो काफ़ी अट्रैक्टिव कलर लग रहा है ग्रीन का, ठीक है। अब कुछ स्पेशल बातें जानते हैं सबर्बन सर्विस के लिए, तो आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स जो यूज़ होते हैं EMU में और इन ग्रीन स्ट्रिप्स का मतलब होता है लेडीज़ कोच। अब इस इमेज को देखिए, अब इस इमेज में आपको येल्लो झिकझैक लाइंस दिख रहे हैं ना बॉटम में पेंट हुए तो ये है डिसेबल कोच को दर्शाते हैं डिसेबल लोगों के लिए यानी यहाँ डिसेबल लोग ही या हैंडीकैप लोग ही बैठ सकते हैं। अब इस इमेज में जो रेड स्ट्रिप्स या रेड झिकझैक लाइन दिख रहे हैं इस ये टॉप ऑफ द कोच तो ये सिग्निफाइज करती है कि कोच फर्स्ट क्लास के लिए है और प्रेजेंटली ओनली मुंबई सबर्बन में ही सर्विस पर है।
तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। सेकंड पार्ट लेके आऊँगा मैं, क्योंकि यार LHB और लग्जरी ट्रेन छोट रही है, वीडियो ज़्यादा लंबा आ रहा था इसलिए मैंने डाला नहीं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेट कीजिए पार्ट 2 का, जो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।